दीपिका की इमली ने पुरानी दुश्मन कंगना के दांत किए खट्टे। पंगा क्वीन की झोली से फिल्म झटक कर मस्तानी ने किए चट्टे फट्टे। सुनो सुनो सुनो, मिस्टर चेक की जुबानी मेंटल स्टार कंगना पर बाजीराव की मस्तानी के लेटेस्ट अटैक की कहानी, जिसे सुनकर रिवॉल्वर रानी की पंगेबाज बहना रंगोली की अखियों से भी आ जाएगा पानी। अब ये बात तो सब जानते हैं कि कंगना और दीपिका के बीच आजकल या परसों से नहीं बल्कि कई बरसों से 36 का आंकड़ा चल रहा है। दीपिका को देखना कंगना को फूटी आंख नहीं सुहाता है। जब एक अवार्ड फंक्शन में कंगना की क्रिटिकली अक्लेम फिल्म क्वीन दीपिका की टिपिकल मसाला फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से बाजी हार गई थी, तभी से कंगना ने दीपिका के खिलाफ कोल्ड वॉर शुरू कर दी थी। उसके बाद तो पंगा क्वीन ने लवली के खिलाफ खोला ऐसा मोर्चा कि आज तक मैडम तनु महारानी पद्मावती पर अटैक करने का ढूंढती है मौका। लेकिन इस बार दीपिका ने किया है कंगना पर ऐसा प्रहार जिसका बड़बोली कंगना के पास भी नहीं होगा कोई जवाब। अकॉर्डिंग टू मिस चेक, मिसेस सिम्बा की वजह से अनुराग बासु की फिल्म इमली से कटने वाला है कंगना का पत्ता, जिसके बाद मैडम को लगेगा जबरदस्त झटका। गॉसिप क्वीन को मिली खबर के मुताबिक गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो और बर्फी जैसी फिल्म्स बना चुके अनुराग बासु जल्द ही अपनी नई फिल्म इमली बनाने वाले हैं, जिसमें जनाब कंगना को लेना चाहते थे। यहां तक कि अपनी डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु के साथ चौथी बार काम करने के लिए कंगना भी थी काफी एक्साइटेड। लेकिन 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 इस बार कहानी में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि जिस इमली का स्वाद पहले कंगना चखने वाली थी उस इमली के मजे अब मैडम मस्तानी लेंगी। मिस जिनचैक के सामने अनुराग बासु ने खुद किया है ये कबूलनामा कि वो अपनी फिल्म में अब कंगना की बजाय दीपिका के साथ काम करना चाहते हैं और कुछ भी ऑफिशियल अनाउंस करने से पहले दीपिका की हाँ का इंतजार कर रहे हैं। आई कैन नॉट कन्फर्म टिल शी कन्फर्म्स एनीथिंग। आई डिड मीट हर, शी हैज टू कन्फर्म इट टू मी एंड देन वी कैन कन्फर्म इट टू अदर्स। गॉसिप क्वीन को कुछ ही दिनों पहले ये खबर भी मिली थी कि दीपिका भी अनुराग की फिल्म को जल्द ही ग्रीन सिग्नल देने वाली है। As Deepika is busy with Chapak, the conversation between the filmmaker and the actress have been more than positive. वैसे आपको बता दें कि हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कंगना ने ये दावा भी किया था कि दीपिका के फेवरेट डायरेक्टर मिस्टर भंसाली ने मस्तानी से पहले क्वीन कंगना को पद्मावत के लिए अप्रोच किया था। लेकिन किंतु परंतु मैडम रनौत ने भंसाली को पद्मावत के लिए कर दिया था साफ साफ इनकार, क्योंकि उस वक्त मणिकर्णिका के लिए हो रही थी कंगना तैयार। इससे पहले भी मैडम कंगना पद्मावत और रामलीला को छोड़ने का दावा कर चुकी है, जिसके बाद सिमरन अब तक पछता रही है। देखना होगा कि जैसे पद्मावत को छोड़कर कंगना ने की थी गलती, दीपिका की हामी के बाद क्वीन को इमली के लिए पछताना ना पड़ जाए कहीं।